कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेले आहे, त्यातला हा आपला मॅथमॅटिक्स विषयाचा तिसरा व्हिडिओ आम्ही आपल्यासाठी देत आहोत। तर थोडक्यात आपण मागे काय पाहिलं ते पाहू। हमने कल परसों पिछले दो वीडियो में क्या देखा वो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और हम लोग कुछ आज एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे उस आधार पर। हमने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो हमने इसमें देखा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेफिनेशंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टेबल डिफरेंट वैल्यूज क्या है साइन कॉस टैन के। हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा, उस आधार पर एंगल की डेफिनेशन देखी। एंगल में हमने देखा डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल आपको पता हो गया रे ओ ए बी, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल। इसके दो टाइप्स हमने देखे, एक पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, एक नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल। द एंगल विच इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल। द एंगल विच इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल। ये देखा, फिर हमने देखा दूसरा, देखा जीरो एंगल जिसकी वैल्यू जीरो डिग्री होती है। देन उसके बाद हमने देखा वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन मतलब एक्स एक्सिस में हमने कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट किया तब वो क्या होता है, ये जीरो है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो वन रोटेशन एंगल का मतलब हो गया है उसका मेजर है 360 डिग्री, वन रोटेशन एंगल। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल भी हमने देखा कल, उसका मेजर 180 डिग्री है। उसके बाद हमने देखा राइट एंगल, राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमने देखा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इनिशियल आर्म ओरिजिन के ऊपर वर्टेक्स होगा और एंगल, जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रॉ किया, ये ओरिजिन हो गया वर्टेक्स ओ, ये इनिशियल आर्म हो गया ए, हमने ऐसा एंगल निकाला, सपोज यहाँ पे बी है तो दिस एंगल इज कॉल्ड एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन की क्या खासियत है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुड बी इनिशियल आर्म होनी चाहिए और वर्टेक्स ये ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए। ये हमने उस दिन देखा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्वाड्रेंटल एंगल हमने देखा, उसके बाद हमने देखा को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या है, को टर्मिनल एंगल दो एंगल होंगे जिसका इनिशियल आर्म का पोजीशन और फाइनल आर्म का पोजीशन सेम होता है, उस एंगल्स को, उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो एक बात हमेशा याद रखिए, को टर्मिनल एंगल्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं, वो हम लोग एक्सरसाइज में देखने ही वाले हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था को टर्मिनल एंगल्स तक, आज हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का पार्ट जो है मेजरमेंट सिस्टम। एंगल को दो सिस्टम में मेजर किया जाता है, पहली सिस्टम है आज हम लोग देखने वाले हैं इट्स मेजरमेंट्स। इट्स मेजरमेंट्स में दो सिस्टम है, एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन। डिग्री को हम लोग सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, और रेडियन को हम लोग सर्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं, सर्क्यूलर सिस्टम। डिग्री सिस्टम को हम लोग डिग्रीज में, जैसे मैंने लिखा वन डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से नोटेशन लिखेंगे, वन उसके रेस टू पावर एक डॉट है, जीरो है, तो इसका मतलब है वन डिग्री। डिग्री को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा जीरो लिखेंगे, रेडियन को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसा सी लिखते हैं, सी डिनोशन, रेडियन इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, डिग्री मेजर इज डिनोटेड बाय लाइक दिस।
तो ये दो सिस्टम है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। अब डिग्री और रेडियन, रेडियन का क्या मतलब होता है? रेडियन ये हमेशा सर्कुलर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सपोज हम लोगों ने ये सर्कल लिया जिसका रेडियस है आर, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, मैंने ऐसा ज्वाइन किया तो ये भी आर हो गया। तो ये हो गया आपका आर्क लेंथ, ए बी आर्क लेंथ हो गया। अगर ये आर्क लेंथ का भी जो लेंथ है अगर वो भी आर है, एट दैट टाइम ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, इस सेंट्रल एंगल को हम लोग बोलेंगे वन रेडियन। वन रेडियन का डेफिनेशन समझ में आया? जैसे हम लोगों ने एक सर्कल मान लिया, सर्कल का रेडियस आर है, उस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है ए एंड बी, हमने दोनों ए और बी को ओ से ज्वाइन कर लिया तो ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ये ए बी क्या हुआ? आर्क लेंथ हो गया। अगर ये आर्क लेंथ का लेंथ भी आर है, एट दैट टाइम दिस एंगल, सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड वन रेडियन, वन रेडियन। इसी तरह से डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, या ये जो है ये यहाँ से 90, 180, 270, 360, अगर मैं इस 360 को डिवाइड बाय मतलब 1 डिग्री में कन्वर्ट करूँ, ऐसे डिवाइड करूँगा मैं ऐसे, तो सी दिस 1 डिग्री, 1 डिवाइडेड बाय 360th पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 360 को अगर डिवाइड करूँ मैं इक्वल पार्ट्स में तो 1/360th पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, और ये हुआ 1 रेडियन। सी डिग्री इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, रेडियन इज डिनोटेड बाय दिस 1 सी। ओके, नाउ इस आधार पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स या कुछ अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आज के डेट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमने आज तक पढ़ा या पिछले दो वीडियो में और ये वीडियो में हमने देखा, उस आधार पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स आज देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। कोटर्मिनल कौन सी पेयर है ये आपको बताना है। सी मैं इसमें से एक या दो एग्जांपल्स बताऊंगा, बाकी आप लोग होमवर्क ले लेना, मतलब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कुछ डाउट है तो आप हम लोगों को एसएमएस करके पूछ सकते हैं। सी डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल, उसमें 210 एंड माइनस दिया हुआ है। सी कोटर्मिनल एंगल का मतलब होता है, वो तो आपने डेफिनेशन में देखा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 के मल्टीपल्स में होते हैं ये। तो पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल क्या है 210 डिग्री कॉमा माइनस 150 डिग्री। अगर आपको इसको ये पेयर को कोटर्मिनल है या नहीं है ये जानने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इनिशियल आर्म की पोजीशन और टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम आती है या नहीं आती है, वो अगर आप देखते हो, अगर सेम आती है तो कोटर्मिनल एंगल है, अगर नहीं आती है तो ये कोटर्मिनल एंगल नहीं है। लेकिन उसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, मैं कुछ ईजी टेक्निक बताऊँगा। कोटर्मिनल पेयर को आपको पहचानने के लिए क्या करना है, 210 माइनस ये माइनस 150 डिग्री, 210 माइनस इनटू माइनस प्लस ये 150 कितना हो गया, एडिशन कितना हुआ 0005161213। 360 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, मतलब ये डिविजिबल बाय 90 है, मतलब 9 4 4 × 90, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब है n इंटू 90, 90 के मल्टीपल में अगर ये दोनों का इस तरह से एडिशन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आता है तो ये पेयर कोटर्मिनल है, ऐसा आप लोग बोलोगे। सी 210 माइनस माइनस 150 ये दोनों का एडिशन आ गया 360, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये पेयर कोटर्मिनल है, ऐसा आप बोलोगे। सी कितना आसान है। एक और सवाल लेंगे, दूसरा है
सेकेंड एग्जाम्पल 360 माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ये को टर्मिनल एंगल का पेयर है कि नहीं ये जानने के लिए क्या करने वाले हैं, 360 माइनस माइनस 30 इक्वल्स टू हमार 360 माइनस 30 इज 390। अब ये 390 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है या नहीं है ये जानने के लिए आप इसको डिवाइड करो 90 से, 390 को आप डिवाइड करोगे 90 से, अगर ये डिविजिबल है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है, 9 4 36, 9 5 45, तो 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इसलिए ये 360 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री इज नॉट कोटर्मिनल एंगल। ये पेयर जो है ये टर्मिनल एंगल का कोटर्मिनल एंगल का पेयर नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स में आपको समझ में आया होगा कि कौन कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कौन सी पेयर कोटर्मिनल एंगल की है या कौन सी पेयर कोटर्मिनल एंगल की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए, 390 को 90 से हम लोग डिवाइड नहीं कर पाए इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं है, इसलिए ये पेयर कोटर्मिनल एंगल की पेयर नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 1, बाक्की जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 1 और 2 मैंने सॉल्व किए हैं 180 डिग्री 540 डिग्री फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ये ट्राई करो, अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो आप एसएमएस करके हम लोगों को डाउट पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। आपने ये 7, 8, 9 से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप लोग एंगल ड्रॉ कर सकते हो -140 डिग्री। मैं एक एंगल बताऊंगा आपको -140 डिग्री, आपको ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेंटर में ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस वाई माइनस वाई। अब ये माइनस है तो यहाँ से जीरो होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 180 होगा, यहाँ 270 होगा, फिर 360। एंगल इज मेजर्ड, द एंगल विच इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दैट एंगल इज कॉल्ड एज नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल। तो ये माइनस 140 है तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे 0 to 90, 90 to 180, 180 minus 40, तो आप लोग इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने अंदाजे से ड्रॉ किया है, आपको एंगल प्रोटेक्टर इस्तेमाल करके इस एंगल को ड्रॉ करना है। सी दिस इज योर 140 डिग्री एंगल। ओके ये बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, आपने ये पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, 2 इज ओवर, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। तो आपको क्या करना है, अगर डिग्री टू रेडियन करना है, क्या करना है मैं यहां लिखता हूं, डिग्री टू रेडियन अगर करना है तो ये सपोज है थीटा डिग्री इक्वल्स टू, तो डिग्री को आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180, तो ये जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा, रेडियन इज रेडियन को मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से, तो ये जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, ये दिस स्टैंड्स फॉर डिग्री, दिस स्टैंड्स फॉर रेडियन। ओके ये दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 85 डिग्री, आपको 85 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई दैट डिग्री एंगल इनटू पाई बाय 180। तो हम लोग देखो इसमें करेंगे, 85 डिग्री को हम लोगों को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, तो ये जो भी आंसर आएगा आपका ये रेडियन में आएगा। तो
तो आपको इसको डिवाइड किए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सीधा ऐसा लिख सकते हो, ये हो गया आपका रेडियन में कन्वर्जन। तो आपको ये समझ में आ गया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। अब रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो रेडियन के एंगल को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं 7 पाई बाय 12, 7 पाई बाय 12। अब आपको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिग्री में कन्वर्जन। डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए मैंने यहां फार्मूला लिखा हुआ है, सी क्वेश्चन नंबर 1 इज 7 पाई बाय 12 रेडियन। अब इस रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम लोग लिखेंगे 7 पाई बाय 12 इनटू 180 बाय पाई। बहुत आसान है, इजीली आप कर सकते हो। 5 पाई रेट्स कैंसिल 25 डिग्री, 7 पाई बाय 12 को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये आपको आना चाहिए, जस्ट फार्मूला आपको याद रखना है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से। क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर, ये आपको आसानी से आ जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप एसएमएस करके हम लोगों को पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। आपको बताऊंगा सी 183.7 डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स, डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा, सी 183 प्लस ये 0.7, इसको आपको ऐसा सेपरेट सेपरेट लिखना है। 180 होल नंबर है, 0.7 फ्रैक्शन को हमने सेपरेट कर दिया। अब ये तो कंप्लीट डिग्री है, डिग्री में आ गया है। अब ये 0.7 जो है इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो क्या करना होगा, 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 आप करोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा होल नंबर जो होगा वो मिनट्स में होगा। 183 डिग्री प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 42 आता है, करेक्ट है 42। बराबर है। अब ये प्लस का साइन अगर आप हटा दोगे 183 डिग्री 42 मिनट्स, ये होल नंबर आया इसलिए हम लोग इसके आगे मिनट्स सेकेंड्स में नहीं जाएंगे। अगर यहाँ फ्रैक्शन आता था तो हम लोग उस फ्रैक्शन को फिर से मिनट में इनटू 60 करके सेकेंड्स में ले सकते थे, बट यहाँ पे आंसर आपका 183 डिग्री 42 मिनट्स, ऐसा इस डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री मिनट्स और सेकेंड में। और एक एग्जांपल लेंगे, कौन सा एग्जांपल है, 245.33 डिग्री। इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकेंड में, क्या करोगे, जो होल नंबर है उसको आप सेपरेट करोगे फ्रैक्शन से और इसको ऐसा लिखेंगे, ये दोनों भी डिग्रीज में है। आप फ्रैक्शन को आपको क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई करना, 60 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है 245 डिग्री। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा, अब 1212, तो ये पूरा डिग्री में, लेकिन ये होल नंबर है ये फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट्स। अब ये मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इसको भी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.80 इंटू 60, तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। ये मिनट का सिंबल है, ये सेकेंड का सिंबल है, ये 240 डिग्री 19 मिनट्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 0 0 0, 1212 48 सेकेंड्स। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 245 डिग्री 19 मिनट्स
48 सेकंड्स। तो ये दो एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको समझाए हाउ टू कन्वर्ट दिस डिग्री एंगल इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप एसएमएस करके हम लोगों को पूछ सकते हो। कुछ डाउट है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 7π/36 रेडियन एंगल मेजर ऑफ एंगल बी इज 120 डिग्री फाइंड द एंगल सी इन डिग्री एंड इन रेडियन। इसको मैं सॉल्व करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क होगा, बहुत आसान है। कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल, कौन सा है इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, एंगल बी की वैल्यू दी हुई है और एंगल सी की वैल्यू पूछी हुई है। मेजर ऑफ एंगल ए इज हमार 7π/36। अब ये एंगल ए को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय व्हाट 180 बाय पाई, पाई पाई गेट्स कैंसिल। डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 0 गेट्स कैंसिल, 18 2 जा, ये हो गया आपका 36 है। तो 7π/36 इनटू 180 बाय पाई गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या 7 × 180 / 36। नाउ 18 2 = 36, 18 10 = 25 जा, तो ये क्या हुआ 35 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी इज गिवन 120 डिग्री। अब देखिए एडिशन ऑफ ऑल दिस एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज 35, एंगल बी इज 120, एंगल सी इज, मेजर ऑफ एंगल सी इज 180 - 120 = 3155। तो इसका आपको सब्सट्रैक्शन करके मेजर ऑफ एंगल सी 0 180 - 155 5 2 कितना हुआ 25 डिग्री। 25 डिग्री को अभी उन्होंने बोला है मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री फाइंड आउट करो और मेजर ऑफ एंगल सी इन रेडियन में फाइंड आउट करो। तो रेडियन के लिए आपको क्या करना है? मेजर ऑफ एंगल सी डिग्री को मल्टीप्लाई करना है बाय बाय 180 से। तो क्या होगा 0 0 गेट्स नहीं, 0 कैंसिल नहीं होगा, इधर 0 नहीं है। अगर आपको इसको डिवाइड कर सकते हो 5 5 = 25 5 3 = 15 5 6 = 30, तो 5π/36 रेडियन, ये आपका एंगल सी है। बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए मेजर समेशन ऑफ दिस ऑल थ्री एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, तीनों एंगल का समेशन 180 लिया, एंगल ए को डिग्री में कन्वर्ट करके लिया, बी डिग्री में ही दिया हुआ है, सी का वैल्यू 25 डिग्री निकाला, फिर इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल अवर टुडेज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5π/9 डिग्री एंड 5π/18 डिग्री में रेडियन में है, फाइंड थर्ड एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। वैसे ही ऑल थ्री एंगल का समेशन 180 आपको लेना है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करके ले लो, तीसरे का जो वैल्यू मिलेगा आपको उसको इसी तरह से फाइंड आउट करना है।
बहुत आसान है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। यहाँ आपको इसमें कुछ भी डाउट्स को एसएमएस करके आप पूछ सकते हो। सो टेक केयर, सेफ रहे, घर पर रहे। थैंक यू।